सारे भाई ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो। और भाई कोरोना का कहर तो चल ले रहा था, लेकिन भाई इस टाइम जब प्रदेश का देश का अन्नदाता की जब बात करा तो भाई वो भी अच्छा खासा परेशान है। तुम देख सको हो एक वो फिल्म में गाना चल रहा है, बोले मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो भाई किसाना ने भी पूछांगे, क्योंकि भाई इस टाइम पर किसाना की फसल जो है तैयार खड़ी है। और भाई जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वह भी टाइम टाइम पर आकर और किसान के हक की बात कर रहे हैं, चैनल पर आकर लाइव आकर, चाहे वो फेसबुक पर लाइव आकर नहीं, भाई हम किसानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। और भाई फसल बीमा योजना की बात करें तो उसमें तो ऑटोमेटिक डिडक्शन का जो मामला है किसान के खाते में है, बीमे की राशि ऑटोमेटिक कट जी है। लेकिन इब तुम देख सको हो हम हरियाणा का गाँव निर्जन में खड़े हैं भाई, और निर्जन में ये जो किसान हैं दाती लेकर घूम रहे थे, तो हमने भी सोचा भाई इन किसानों पर नहीं पूछा जावे अगर भाई कुकर के मामला चल रहा है कि ये तो फसल की मामला है, कुकर तैयार हो रही है फसल और भाई कटाई का भी सीजन शुरू होने वाला है। तो राम राम जी। राम राम जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दिया। राम राम जी। क्या नाम जी आपका? रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, आपने न्यू कौन बेरा कोरोना का कहर चल रहा है, तो आपके में डट्ठा डूठा भी कौन मार रही जी? कोरोना का तो हाजी मारा, तो कोरोना दूसरा हो रहा है, ये फसल का कोरोना हो गया जी। अच्छा, फसल इतनी खराब होगी जी, लोग मने तो इतना तंग करने लग गए। जिस टाइम पर दुष्यंत का दिग्विजय का इलेक्शन था, आपने क्यों तंग करने लग गए? न्यू कहे भैया तुमने वोट दिवाई थी? जेजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, जेजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और मैंने वोट दिवाई थी बहुत ज्यादा, और दिग्विजय की बहुत ज्यादा जीत दिवाई थी। न्यू कहे देख लो तेरा दुष्यंत ने दिग्विजय कहाँ है। अच्छा, फोन मिला तो फोन भी नहीं ठंडे है। गिरदौरी की बाबत हम फोन करा थे, समस्या गिरदौरी नहीं हुई, हमारा बीमा तो वैसे काट लिया जाता है। अच्छा, बैंक मत है। कितनी जमीन आपके? मेरा 4.5 किलो है। और कितना बीमा राशि कितनी कटी? बीमा राशि 850 रुपए किला कटगी। अच्छा, और ईब समस्या क्या आ रही है? ईब समस्या हमारी बात सुनो जी, गिरदौरी नहीं हुई। गिरदौरी क्यों करवाना चाहो? गिरदौरी नहीं कराना चाहो, हमारी फसल खराब हो रही है, एक दाना भी नहीं है। नहीं, ये खड़ी फसल तो बहुत बढ़िया खड़ी है। खड़ी दाना देखो जी, लाइए ना दो बाल रहे। दिखाओ जी, ये भाई किसान ना का देखो दूर तक न्यू का आग्रह है भाई, बोला हाथी के दांत खान के और दिखाने के और भाई दूर तक तो हम देख सको हो, दूर तक तो हम देख सको, दूर तक किसान आ गया है, जो खेता में भाई सोना खड़ा है और किसान की खुशहाली का टेम आ गया। ये बैल ले आए हैं ये, और शहर वाले जो बालक है उन्हें दिखाया दिया भाई, थोड़ा सा मैं कैमरा मैन तो कहूँगा एक बार थोड़ा नजदीक आ जाए। ये यू है भाई गेहूँ का पेड़, शहर वाले बालक ने न्यू को नहीं बेरा होता गेहूँ क्या लग है, पहले तो यह नॉलेज बढ़ा दें शहर वाले बालक की, यू गेहूँ का पेड़ है भाई, यूँ तो आ रहा है, यू तैयार हो रहा है भाई, तो यू गेहूँ की फसल न्यू तैयार हो गया भाई, और यह गेहूँ की बैल है तो इसमें तो भाई गेहूं लिख रहा है, तो तैयार कौन यू के मामला इसका रंग क्यों बदल रहा है? दाने कौन जी? मसल का दिखाइयो एक बार दिखाई ना। ले जी मसल के देख ले। इसकी देसी पड़ताल कर ले भाई, कुकर के मामला है। ले जी कोई दाना नहीं, जमा फूस हो रहा है। हाँ, कोई फूस। तो हम देख सको भाई किसान की फसल बर्बाद हो रही है। और भाई ये जो नेता, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे उप मुख्यमंत्री की बात करें, यानी कि चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करा और चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात करा, भाई वोटा के टाइम पर तो भाई बड़े बड़े नारे लाए गए और 75 पार की बात कही गई, लेकिन ईब किसाना की दुर्दशा की बात करें तो भाई किसाना ने सिमान खातर जो ईवी गिदावरी खातर जो डिमांड है इनकी वह भी नहीं पूरी हो रही। क्या समस्या आ रही है जी? समस्या जी कोरोना की वजह से दुष्यंत ने उड़न कहा था संभाल कर रैली में, अखबार तारीख खुली गिरदौरी हो गई। हाँ बिल्कुल, वो जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाया था, अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाया, जब उसने सीधा नहीं कहा था बेचारी खुली गिरदौरी होगी, वह खुली गिरदौरी की बजाय जी या गिरदौरी नहीं हुई, कोरोना ऐसा आया भारत, कोरोना ऐसा बरस गया जमींदारों के ऊपर, कोरोना का हमने फसल पर खर्चा भी कर लिया, 3-3 बार स्प्रे भी कर लिया। एक किलो मैंने बताओ जमीन की गेहूँ कितना को जाकर ये 5,060 मण का था जी, 60 मण तो ऊपर जाने का था। अच्छा, इतना जी 5 मिनट की लगे क्यों कोनी? तो ले भाई ये न्यू का आग्रह है, लागत भी पूरी कोनी होंगी, लागत के सपने भी पूरे कोनी होंगे जी। हाँ, तो भाई जितने भी इस धरती के ऊपर बिजनेसमैन हैं सारे भाई अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, इंडस्ट्री ला रहे हैं, बड़े बड़े साइड ला रहे हैं, और सारे का जो माल मटेरियल है वो भाई कितने तो गोदाम में हुआ है, कितने साइड के नीचे हुआ है, लेकिन किसान एक ऐसा व्यापारी है जिसका की जो माल है वो खुला में पड़ा है भाई, और बर्बादी की कगार पर, यानी कितने तो ज्यादा बारिश की वजह से, और कितने कम बारिश की वजह से, और कितने भाई ओले की वजह से, और कितने फिर बाह की वजह से गड़बड़ हो जाए है, तो इसके लिए बड़े अधिकारियों को नहीं मिले जी? आप गए थे जी? हाँ, लिखाई थी एप्लीकेशन जी, के रात किस तक मिले थे? डीसी से मिलन खातर या एप्लीकेशन लिखी थी जी। अच्छा, उपायुक्त महोदय से मिले थे? हाँ, मिलन कौन दिए जी? अच्छा, मिलन कौन दिए? कोरोना की वजह से हम पहुँचने को नहीं पाए,
अच्छा हाँ मिलन नहीं दिए तो सरपंच तो नहीं मिले तुम सरपंच से मिले सरपंच ने भी दो तीन दिन रात के रोटी दे दी ऑनलाइन कराई थी जिया तो भाई ये तो ठीक वो काम हो गया भाई मान ले जिस टाइम सुध लेवेंगे उस टाइम तक तो भाई पूरी तरह से फसल भी बर्बाद हो लेगी और किसान भी बर्बाद हो लेंगे जब टाइम पर संभाल नहीं हुई तो फिर फायदा की है तो ये तो काम हो गया भले बोला कड़ूबा डूबा क्यों पानी अब तक न्यू का न्यू तो ई बोर के अपील करना चाहोगे जी सरकार तक प्रशासन तक की अपील करना चाहोगे हम तो न्यू का आज दो दिन के अंदर गर्दौरी कर दो नहीं तो हमारी फसल में मशीना न लग जाएंगी हम तो न्यू में रह जावांगे जी हाँ गर्दौरी हो जाओ दो दिन में निर्जन गांव की सारे की फुल गर्दौरी हो तो भाई जिस देश का और जिस प्रदेश का अन्नदाता भूखा रह जे यानी कि पूरा संसार का पेट भरने वाला मानस और जब भूखा रह जे तो इसका बड़ा पाप धरती पर होता कोनी तो भाई प्रदेश का जो किसान है प्रदेश का जो अन्नदाता है उसकी ब्रियान माटी रेरे माटी बदीन माटी हो रही है जमा और तम देख सको या भाई फसल है किसान की यानी कि न्यू कैस कहाँ देख कर मतलब जो है ना किसान का न्यू नहीं समझ मैं रही भाई वो के करे के ना करे फसल जो है किते तो घनी बारिश था किते ओलिया था किते किसे डालता जो है नी बर्बाद हो बैठी है फसल जमा और भाई किसान का जो है नी सब तो बड़ी समस्या यह हो रही है किते तो वो गिरदावरी नहीं हो पा रही उसकी किते उसका जो है ना संपर्क नहीं हो रहा पटवारियां तय एक तरफ तो ये कोरोना और दूसरी तरफ किसान का रोना यानी कि भाइयों का कहा बहुत बड़ी मुश्किल का दौर था प्रदेश का अन्नदाता जो है इस टाइम गुजरने लग रहा है और भाई तरती हम पहले भी बताई थी हमने पहले भी तरती है बात भाई जय प्रदेश का अन्नदाता अगर दुखी हो गया तो भाई किसी भी तरह प्रदेश जो है वो खुशहाल नहीं हो सकता और जो ये राजनीतिज्ञ हैं जो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो और चाहे भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उन तक भाई आम ये दर्दनाक तस्वीर पहुंचाना चाहवा हाँ और भाई किसाना की सुध ले लें और किसी तरह भाई जो और काम जीव सारे चल रहे हैं जिनसे काम जरूरी सेवाएं जो हैं वह जीव चालन लग रही हैं तो भाई इस तरह जरूरी सेवा इस टाइम पर कोई नहीं हो सकती और किसाना की सुध जरूर लेनी चाहिए मैं मेरा जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं तभी अनुरोध है संसार क्रांति का माध्यम पर और भाई सीधा सरकार तभी यू निवेदन है अगर भाई ये तस्वीर देखो और किसाना की जो कर भाई फसल बीमा योजना की रकम खाते में तो काट ली जावे है ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाए तो भाई इसी तरह ऑटोमेटिक मुआवजा भी किसान ने मिलना चाहिए अगर किसान ने टाइम पर मुआवजा नहीं मिला किसान की सुध नहीं ली गई तो भाई प्रदेश जो है बर्बादी की कगार पर बैठे है जमा तो भाई तुम देख सको हो यानी कि न्यू कैश कहाँ जो सरकार और प्रशासन इनका टाइम रन दे अगर सुध नहीं ले हुआ है तो भाई किसान अगर बर्बाद हुआ है तो न्यू समझ लो घने डाल के कई डाल के बिजनेस ठप हो जाएंगे क्योंकि बिजनेस की जो शुरुआत होया कर है व्यापार की जो शुरुआत होया कर है वह किसान का घर मत होया कर है जब किसान का घर मन का दाना नहीं होगा तो भाई न्यू सोच लो किसे डाल का भी व्यवसाय किसे डाल का भी व्यापार किसे डाल का भी बिजनेस चल नहीं सकता रह गया जी कि मैं कसर हाँ बताओ जी जैसे जी नरेंद्र मोदी का है 5 रुपया एक आदमी उसमें गेरो कितने करोड़ रुपए आ जाएंगे ये जमींदार कहाँ से गेरेगा जब पैसा नहीं आएगा फसल नहीं बिकेगी फसल नहीं होगी तो हम कहाँ से गेरेंगे यानी ताऊ जी का न्यू कहना है कि प्रधानमंत्री राहत कोष है जो उसमें पैसा कितने देवे यह है बड़ी समस्या हाँ ये वो उसमें भी कहाँ से देवे गर्दौरी बदल दी तहसीलदार साहब का भी डालिए डीसी तक भी वो करवा दीजिए कोई गर्दौरी नहीं हो रही 10 दिन हो लिए गए थे चलान काट दिया मोटरसाइकिल का भी अच्छा ये मतलब वो चलान भी काट दिया जी वो काम हो गया बोले रोजे चुटान चले थे नमाज गले पड़ गई ये देख लो जी चलान भी काट दिया था चलान तो फिर हेलमेट कौन ले रहे हो गया हेलमेट तो कौन ले रहे मैंने की देखो लापरवाही हुई होगी प्रशासनिक अधिकारी बिना बात तो चलान काटे को नहीं क्यों जी देखो जी ऑनलाइन कराने गए जब चलान कटा था तो भाई कहने का मतलब यू है सीधी सी बात है बोले भूखे पेट ना होए भजन को पाला ये लो अपनी कंठी माला भी जब किसान का पेट भूखा होगा तो भाई प्रधानमंत्री रात को उसमें कितना जाओगा पैसा या और परियोजना है जो कर कोई भी सरकारी योजना है कोई भी सरकारी पॉलिसी है वह क्योंकि भी चल नहीं सकती जब तक किसान को खुशहाल नहीं बनाया जाओगा तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि किसाना की सुध लेवे प्रशासन और भाई इसका समाधान हो उसके इस समस्या का ठोको शेयर मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू जय हरियाणा जय भारत।